Hello and welcome back to another episode of Holy Shit. And today's episode is for those of you who have ever wondered, यार कमाल है, क्या जबरदस्त सीन है, मतलब क्या सस्पेंस, फनी वनी, एक्शन वैक्शन, बहुत बढ़िया था, मजा आ गया, ना जाने कहां से कॉपी किया होगा। So, उन कुछ सवालों का जवाब हम आपको आज दे देंगे। So our first scene is from the movie called Desi Boys, which was copied from Deuce Bigalow, European Gigolo. Frankly, I think the whole movie was copied, but if we just talk about this scene, then we see Akshay contemplating, मैंने क्या कर दिया, मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं यहाँ पर अपने आप को होर आउट करता फिर रहा हूँ। इन अक्षय कुमार सीन वी सी हाउ द गर्ल किसेस अक्षय एंड अक्षय डजंट किस बैक बिकॉज शर्म हया नाम की भी तो कोई चीज है। अरे हमारे जो टॉप क्लास एक्टर हैं वो किस नहीं करते हैं ऑन स्क्रीन, वो सिर्फ रेप करते हैं, शराब पीते हैं, लोगों को मारते हैं और एक मेल जिगलो बन के अपने आप को मेल प्रोस्टिट्यूट बना के जरूर दिखा देते हैं, लेकिन किस नहीं करते। ना 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 ना, देखो कितना धर्मात्मा, बड़ा ही मतलब उमदा लड़का, मतलब। So then, as the girl notices her husband coming back home, she's like, "Thank you for last night." So as the scene proceeds, Akshay Kumar runs out of the room. He barely escapes the husband's view, but then he jumps off the third floor wearing the world's quietest shoes because nobody hears anything. कमाल है, जूते हैं या चिपकली? Smart man, क्या नाम दिया है? चिपकली जूते. Next. And to preserve Akshay's fragile masculinity, he could not have slept with somebody age appropriate. अरे भाई, of course. अक्षय कुमार की खुद की उम्र है 53, तो ये औरत मेरे हिसाब से उनसे 2 साल बड़ी होगी। लेकिन मजा आ रहा है अक्षय कुमार अपने साथ एज अप्रोप्रिएट एक्ट्रेस के साथ दिख जाए, ज्यादातर अक्षय कुमार की हीरोइनें तो उनके बेटे से छोटी उम्र की होती हैं। But then he dances his way out and picks up this motorcycle. पहली बात तो इसने मोटरसाइकिल पार्क कहाँ करी जहाँ पे पति को दिखी नहीं, और ये मोटरसाइकिल ऐसी कौन सी धीमी धोनी से चलती है। अक्षय कुमार टाइप बंदा तो बुलेट के साथ आता होगा, तो बुलेट तो इतना कभी मैंने सुस्ती से चलता देखा नहीं, बुलेट तो पूरे मोहल्ले को बता देता है मैं आ रहा हूँ, गट गट गट। So then our character goes outside and even the guard is like, "Thank you for last night." मतलब एज अप्रोप्रिएट के साथ नहीं दिखना, लेकिन इस गंजे के साथ दिखना ठीक है, इसलिए शायद इनकी अनुपम खेर के साथ बनती है। So moving on to another scene from the movie Desi Boys, because याद रखिए इस मूवी को डायरेक्ट किया है जिस डायरेक्टर ने उनके जो पापा हैं डेविड धवन, वो अपनी ही मूवियों को कॉपी करते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये कहीं और से कुछ ना कुछ उठाए ना। So another scene which was copied in Desi Boys was this interview scene which was lifted from a Pepsi ad. So in this scene we see the candidates are sitting outside and one of them is called inside, but as the scene proceeds forward we find out that the interview is failing miserably. So then the characters suddenly start shouting on the top of their lungs to scare everyone else who showed up for this interview. Lekin main yahan pe ye bolna chahunga ki Dhawan ji, scene copy karne se pehle appropriation, cultural appropriation to soch lo. Like imagine if you were sitting in that office and if somebody else is shouting from the inside, would you run out of the office or would you go, मतलब इसका इंटरव्यू तो बुरा जा रहा है, एक की तो कटी, मेरा नंबर 1 कम आएगा, 20 में से 1 लड़का, बस 19 मुर्गों को लटकाना बाकी है। So then as the scene proceeds forward, our character throws himself out in front of everyone, और जो बचे कुचे भी होते हैं 2-4 वो भाग जाते हैं वहां से, और सिर्फ यहाँ पर जॉन एब्राहम रह जाता है जिसे बॉस को जॉब ऑफर करना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। सो यहाँ पे मैं एक और पॉइंट आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप एक महिला हैं तो ऐसा काम अपने इंटरव्यू में बिल्कुल भी ना करें, बिकॉज यहाँ पर भागने से बगाए 4 दरिंदे और अंदर आ जाएंगे बहती गंगा में हाथ धोने। So let's talk about our next movie called Entertainment, जिसमें सब कुछ था सिर्फ एक Entertainment को छोड़ के। So this scene from Entertainment was directly copied from a movie called Kung Fu Hustle. So in this scene we see Tariqullah. Habibullah. देखिए, मेरे वालिदैन ने मेरा नाम बहुत प्यार और मोहब्बत से रखा है। He picks up a knife in the middle of the bazaar from this collection of knives which somebody just left it out there. Again, cultural appropriation is very important. India में ऐसे कोई बक्सों में चाकू छोड़ के जाएगा तो एक भी चाकू नहीं बचेगा, मारने के लिए छोड़ो बर्फी काटने के लिए नहीं कुछ बचेगा। But moving on. John Lever's character throws the knife, but the knife bounces back and hits him. So he asks his partner to help out and take revenge on behalf of Bulla Khulla. Hey! Habibullah! Pagal gaya. Habibullah. Sorry. But as his partner is even more incompetent, he throws the knife and it once again stabs him. But then he asks his friend to try again, but his friend misses yet again. So our next scene is from the movie Dabang. अरे बॉलीवुड कॉपी की बात आई है तो भाई कैसे पीछे रह सकते हैं, तो अगली मूवी भाई की। सो दबंग्स क्लाइमैक्स सीन वाज कॉपीड फ्रॉम शर्लॉक होम्स स्लो मोशन सीन। आई नो ड्यूस बिगलो कॉपी करते करते इनमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि उन्होंने गाय रिची को हाथ लगा लिया, हम गाय रिची की मूवी कॉपी करेंगे, मतलब दुनिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स के सीन को मैं कॉपी करके दिखाऊंगा। So in this scene, time slows down as Bhai kicks the shit out of Sonu Sood in slow motion.
पर अगर आप सोच रहे हैं कि ये लाल क्यों, तो इस लाल के दो फायदे हैं। एक तो भाई की बॉडी के ऊपर खर्चा नहीं करना पड़ेगा, एब्स वगैरह और वो चेस्ट वेस्ट सब छापने के लिए, डोले वोले सब शेप देने के लिए। और दूसरा फायदा ये है कि अगर बाई चांस ये सीन मान लीजिए गलती से स्लो मोशन में ना शूट किया हो, तो वो गलतियां नहीं दिखेंगी। मुझे लगता है कि एडिटर के पास जब ये सीन आएगा तो उसने कहा भाई ये शर्लॉक होम्स को तो कॉपी करना था, सीन स्लो मोशन में था, स्लो मोशन में दिखाना, स्लो मोशन में शूट तो कर लेते। क्या बात कर रहा है, मुझे लगा भाई की शर्ट जब भी उतरती है कैमरा ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है, स्लो वोलो करने की कोई जरूरत नहीं है। मालूम होता तो मैंने भी स्लो कर देना था, वो बैठ के रोल ही तो कर रहा था। So we see bhai punch Sonu Sood in slow motion and then kicks him and then Sonu Sood falls on a tractor. हाँ, ये थी वो cultural appropriation जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अरे ट्रैक्टर से ज़रा भारतीय तो कुछ भी नहीं है। So our next अक्षय कुमार scene is from the movie Om Shanti Om। मतलब अक्षय कुमार का तो ये है कि अगर वो किसी मूवी में cameo भी करते हैं तो वो भी सोचना पड़ता है कहाँ से कॉपी किया होगा। So in this scene we see अक्षय कुमार is dressed up as a cop and he shows up in an Audi. Because Akshay Kumar doesn't show up in a Fiat, Viet, Suzuki, Fuzuki, उसमें तुम आते हो, हमारा वाला चाहे देश बदलना पड़े लेकिन आएगा Audi में। So these goons come out and they start firing at Akshay Kumar and he catches each and every bullet. नहीं नहीं नहीं, अगर आपको यहाँ पे शक है ना कि ये कैसे हो गया, ये कोई जादुई करामात नहीं है, ये काम तो हमारे एक्टर्स 90s से करते आ रहे हैं। तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। And he makes a grenade out of it. यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा, ग्रेनेड तो बना लिया लेकिन वो पिन किस चीज से बनाया, जो पिन नली में से निकाला, बारूद बारूद भर के तूने ग्रेनेड तो बना लिया, वो पिन कैसे बनाया? आई तो तेरे पास गोलियां थी, क्या अपने साथ घर से सेफ्टी पिन लाया था साथ? So then he throws the grenade and it blows up. Then he takes out his gun, he throws it in the air and catches it within his pants and then he adjusts his ass sideways and somehow clocks the gun. ये साइडवेज एस मूवमेंट करने से ये फ्रंटल क्लॉक गन कैसे हो गई है? मतलब अक्षय कुमार के पास ऐसी कौन सी एस में यंत्र फिट है जो हमारी पे नहीं है? मेरे सिर्फ बैठने की क्या आती है तशरीफ, इसकी क्या मैनिक्योर पेडिक्योर भी कर देती है? So then he starts firing at everybody, but here I want to ask, how is he pressing the trigger? मतलब ये नली जो है तो बेल्ट के बाहर फिट है, तो ये नली की डली को दबा कौन रहा है? मतलब इमेजिन अगर ये पुलिस ट्रेनिंग में हो रहा हो और अक्षय कुमार जैसा बंदा वहां पे पुलिस ट्रेनिंग में खड़ा, उसको बोले हाँ भाई इसको ना बोलते हैं नली एस को शेक करके ऐसी घुमा गोली दबा, ठीक है? But if you guys are wondering how far back are these guys copying scenes from, well they're copying scenes ever since the movies were made. So ever since black and white silent films these guys have been copying scenes. So our next scene is from the same movie Welcome when Akshay Kumar is driving, which is copied from Lauren and Hardy. So in this scene we see how Akshay Kumar, he's stuck on this ladder which is stuck between his car and another truck. So this scene is very close to the Lauren and Hardy scene from this film. So we can kind of predict where they got this idea from. And if you still don't trust me that Lauren and Hardy is uthare, then let me show you another movie from the silent era which was copied in one of the most famous scenes from the movie Ishq, having Mr. Perfectionist Aamir Khan and Action Jackson Ajay Devgan. Lekin yahan pe farak hai. Because as you can see in Lauren and Hardy scene, there is a horse. तो ये घोड़े को लेकर घर के अंदर आ रहे हैं और इस कारण उसको स्टैचू नहीं दिखा। लेकिन on the other hand, हमारा जो हीरो है वो तो zombie बन जाता है जब भी लड़की को देखता है। जब भी ये लड़की उसके सामने आती है वो मुस्कुराता हुआ zombie की तरह उसको कुछ नहीं दिखता है और उसकी तरफ चलना शुरू कर देता है। कभी वो पाइपों पर चढ़ने लग जाता है, कभी उसकी तरफ चलने लग जाता है, वो हर तरह की मुसीबत इज्जत फजाड़ करता है। So imagine if you were growing up in the 90s and this is the kind of content you were watching, you would think it's completely okay. I mean, if you see a girl, you can completely, like a zombie, totally like a creep, open your mouth with laar yahan se tapak rahi aankhe phad ke tambure ki tarah karke uski taraf badhna shuru kar, aur wo kuch bol bhi nahi sakti hai kyunki ye same cheez to Ishq movie mein Ajay Devgan ne kari thi. Yahi to hum sikha rahe hain nayi generation ko ki aise pyar hota hai, प्यार और molestation hand in hand. और फिर आपको लग रहा है कि rape against women क्यों बढ़ते जा रहे हैं? अरे assault तो यहाँ पे hero करके दिखा रहे हैं, कैसे करना है? I'm sure अगर Lauren and Hardy की आत्मा ये scene को देख रही होती और वो देखते कि उन्होंने कैसे हमारे scene को copy करके उसे improve करने की कोशिश करी है, तो I'm sure वो भी कुछ ऐसा ही सोचते। Sir, ये तो टट्टी है। Thank you. So there it is. I hope you guys enjoyed this video. So if you think we missed any scenes, please let us know in the comment section below and we will make sure to put them in our part 2, because this video ka part 2, part 3 banna zaruri hai, because itne scene hai ki main ek agar video mein dalunga na to wo 2 ghante ki ho jayegi. So if you like this video, please click on the like button, and if you'd like to see more of these videos, make sure you click on the subscribe button, because we try to upload videos every week. And if you'd like to help us, then please share this video with as many people as possible. So that's it for this video. I will see you in the next one.